देखो, यमुना का और यमराज का आपस में संबंध है, यमुना और यमराज का आपस में संबंध है। जानते हो क्या है रिश्ता है यमुना यमराज का, क्या रिश्ता है मालूम है कि नहीं? यमुना और यमराज दोनों भाई बहन हैं। और सजनों, यमुना अपने भाई से कहती है, भाई कभी तो मेरे यहां आया कर। तो साल में एक बार भाई अपनी बहन के यहां जाता है और उस दिन को हम क्या कहते हैं? भाई दूज, यम द्वितीया, जो ठीक दिवाली के बाद आती है। यमुना अपने भाई को खिलाती है, पिलाती है, तिलक करती है। भाई खुश होकर कहता है, बहन मांग, क्या चाहिए? तू मांगेगी वही मिलेगा। तो बहन कहती है, भाई आज का दिन यादगार होना चाहिए हम दोनों के लिए। बोले, बोल बहन, कैसे यादगार करना चाहती है? तो कहा कि आज के दिन जो भाई बहन जोड़े से मेरे में नहाए, तू उसे परेशान मत करना। इसलिए सजनों, नियम है कि भाई बहन को हाथ पकड़ करके यमुना जी में यम द्वितीया के दिन स्नान करना चाहिए, मथुरा के विश्राम घाट पर। आप लोगों ने किया कि नहीं किया? अभी इतने बैठे हो, कई तो ऐसे होंगे जो वृंदावन ही नहीं गए होंगे। और यम द्वितीया का स्नान अवश्य करना मेरे भाई एक बार। दिवाली के ठीक बाद आती है यम द्वितीया। अब आप दिवाली का माल खाने के चक्कर में जा नहीं पाते, वो अलग बात है। कि दिवाली पे तो माल बनता है महाराज, रोज के छोड़कर वहां यम द्वितीया नहाने जाए, वो बात अलग है। लेकिन सजनों, एक बार जोड़े से जरूर नहाना चाहिए। कहते हैं कि बहन अगर भाई के राखी न बांधे तो दोष माना जाता है, लेकिन यम द्वितीया में अगर बहन भाई जोड़े से नहा लेते हैं और किसी कारणवश एक दूसरे के राखी नहीं बांध पाती, बहन भाई के राखी नहीं बांध पाती, तो दोष नहीं लगता। क्योंकि यमुना ने स्वयं कहा, यमुना कहती यम द्वितीया को, जो कोई मुझ में नहाएगा। यमुना कहती यम द्वितीया को, जो कोई मुझ में नहाएगा। यमुना कहती यम द्वितीया को, जो भी मुझ में नहाएगा। यम राजा है मेरा भाई, उसको नहीं सताएगा। यमुना जा ही मेरा भाई, उसको नहीं सताएगा। यमुना कहती यम द्वितीया को, जो कोई मुझ में नहाएगा। यमुना कहती यम द्वितीया को, जो भी इसमें नहाएगा। यम राजा है मेरा भाई, उसको नहीं सताए। यमुना चाहे मेरा भाई, उसको नहीं सताएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यमुना कहती यम द्वितीया को, जो कोई मुझ में नहाएगा। यम राजा है मेरा भाई, उसको नहीं सताएगा। अच्छा, एक बात और, यमुना हमारी माँ हुई तो यमराज हमारा क्या हुआ? क्या लगा? डबल माँ, माँ माँ। आपके यहां तो मुझे नहीं पता, पर हमारे ब्रज में चाहे मामा कितना ही बूढ़ा क्यों न हो और भांजा चाहे छोटा सा क्यों न हो, लेकिन मामा भांजे की पैर छूता है, भांजे की पैर धोता है, इतना डरता है भांजे से मामा। हाँ, भगवान कृष्ण ने ऐसा डर पटक दिया हर मामा के दिल में, घबराता है बेचारा। सच में पैर पूजता है, पैर धोता है, मेरे भांजे तू मत कृष्ण बन जाना मामा के लिए। तो जरा सोचो, हमारे यहाँ की रीत जब ये है और यमुना मैया जब हमारी माँ लगी, हमने स्नान किया और यमराज हमारा मामा लगा, और ये भांजा जब मामा के यहाँ जाएगा तो कुछ तो सोचेगा कि नहीं सोचेगा मामा? इसलिए एक बार यमुना में अवश्य स्नान करना, हाथ पकड़ करके भाई बहन जोड़े से।